देखता हूँ कि वहाँ पर एक एक शायर को जब बुलाते हैं एक एक जलसा गाँव में कॉन्फ्रेंस में, तो 40-40 हजार 50-50 हजार रुपये वो तय होकर के आते हैं। तो उन नातों को सुनने से बेहतर यह है कि एक छोटा सा मासूम बच्चा आइए वजू करके पाक साफ होकर के और दिल से उनके नात को सुन लीजिए, इंशाअल्लाह उस हाथ के बारे में बफरत हो जाए। हजरात इकराम, इसे समाज फरमाए कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अब मैं मदरसा मैदुल इस्लाम ही के तालिबा जिनका नाम अनहा नाज है और वो माशाल्लाह यहाँ पर कई साल से पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ बड़ी मशक्क़त के साथ उन्होंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को याद किया है। आपको उनको बगौर समाज फरमाए मैं दावत दे रहा हूँ कि अनहा नाज माइक पर तशरीफ लाए और सामेन के ग्रुप को अपने गुफ्तगू से मुनव्वर फरमाए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को सिखाने के लिए। अब ये जब मैं सड़क में जाता हूँ तो उसको तो ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ कुछ कर नहीं रहे, लेकिन यकीन जानिए मैं यहाँ से हलक फाड़ कर हलक चीर कर फिर आपके बीच में इशा के रात में पहुँचता हूँ। यकीन जानिए सर में दर्द होता है लेकिन मैं किसी को बताता नहीं कि हाँ सर हमें इतनी जो है अलग पाड़ कर या अलग सुहा कर मैं आपको नमाज पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, किसी को क्या होता इतना क्या होता। बहुत अच्छा शेर लोग देते हैं लाइव। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।